ओम नमः शिवाय। केवल इलायची से करें किसी को भी अपने वश में। जो आपका प्यार आपकी बात नहीं मान रहा हो, आपका पति आपकी जो आप बोलते हैं वो बिल्कुल भी नहीं सुनता हो, या आपका परिवार का कोई भी सदस्य जिसे आप अपने वश में करना चाहते हो, जो आपका कहना नहीं मान रहा हो, या जो आपकी कोई भी बात नहीं मान रहे हो, उसे आप कर सकते हैं अपने वश में केवल इलायची से। इलायची से बहुत ही शक्तिशाली और ख़तरनाक वशीकरण किए जाते हैं। उसी प्रकार से यदि आप जिसको अपने वश में करना चाहते हैं तो आप करें दो इलायची का प्रयोग। इन इलायचियों के प्रयोग से आप अपने दुश्मन को या जिसे भी आप चाहते हैं उसे अपने वश में कर सकते हैं। छोटी सी विधि और बहुत बड़ा चमत्कार। क्योंकि कभी ऐसा समय आ जाता है वे सोचते हैं कि ऐसा क्या करें जिससे हम इसको अपने वश में कर सकें और ये हमारा हर एक कहना माने, हर एक बात माने, जो हम कहें वही करें। तो आप इस छोटी सी और बहुत ही शक्तिशाली वशीकरण विधि का प्रयोग कर सकते हैं। केवल इलायची द्वारा करें किसी को भी अपने वश में। इस वशीकरण विधि को किस प्रकार से करना है, किस दिन करना है, कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, जो भी पुराने साधक साध्वी बहुत लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो नए साधक साध्वी हैं, नए साधक साध्वी और पुराने साधक साध्वी, पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन के साथ साथ आप आल को भी जरूर सेलेक्ट करें जिससे आपको हमारे द्वारा बताई हुई सभी वशीकरण विधियों की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे और उन विधियों के प्रयोग से आप अपने सभी कार्यों को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्द पूर्ण कर सकते हैं। जिन भी साध्वियों को मासिक धर्म की समस्या हो वे महिलाएँ वे साध्वियाँ इस वशीकरण विधि को ना करें, तब तक ना करें जब तक आप अच्छे से स्वस्थ नहीं हो जाते। जब आप अच्छे से स्वस्थ हो जाएं उसके बाद आप इस विधि को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इस वशीकरण विधि को पूर्ण करने के लिए आपको क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है, आपको इसमें चाहिए एक प्लेन पेपर और इलायची और पेन और एक शहद की शीशी। आपने इस प्रकार से शहद की शीशी लेनी है। इस प्रकार से आप शहद की एक शीशी ले लें और ये शहद की शीशी आपके घर के नज़दीक जो भी दुकान हो वहाँ से बहुत ही आसानी से मिल जाती है। तो आपने क्या करना है, अपने फ़ोन में जिस दिन आप इस वशीकरण विधि को करें तो आपने अपने फ़ोन में 2 बजे का, रात्रि में 2 बजे का अलार्म लगा लें। और अलार्म लगाने के बाद आपने क्या करना है, अलार्म लगाने के बाद अपनी जो भी सामग्री है उस सामग्री को आप जहाँ पर इस वशीकरण विधि को करना चाहते हैं वहाँ पर आप पहले से ही रख लें, जिससे कि आप समय पूर्वक आप इस विधि को कर सकें। और 2 बजे से पहले का आपने अलार्म लगाना है जिससे आप स्नान आदि करने के बाद आप इस विधि को कर सकें। तो आपने क्या करना है, जो भी आपको परेशान कर रहा है या जो आपके बात नहीं मान रहा हो तो आपने क्या करना है, इस पेपर पर आपने उसका नाम लिखना है, प्लेन पेपर पर आपने नाम लिख देना है। आपने लिख देना है राज, जो भी नाम हो, हमने अभी नाम आपको बताने के लिए लिखा है। जो भी जिस भी व्यक्ति को, प्रेमी प्रेमिका या अपने परिवार के जिस भी सदस्य को आप अपने वश में करना चाहते हैं उसका आपने इस प्रकार से नाम लिखना है। और क्या करना है, अपने आपको चाहिए इलायची, केवल 2 इलायची का प्रयोग करना है। इस प्रकार से बिल्कुल सही इलायची होनी चाहिए, साफ़ सुथरी इलायची होनी चाहिए। ये भी आपको आपके घर के नज़दीक जो दुकानें हैं वहाँ से बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। आपने इन दो इलायचियों को आपने इस प्रकार से जो नाम लिखा था उस पर आपने रख देना है। रखने के बाद आपने इस पेपर को इस प्रकार से फोल्ड करना है जिससे कि ये जहाँ आपने उस नाम पर रखी है वो वहाँ से हिले ना। और उसके बाद आपने क्या करना है, इन दोनों इलायचियों को और इस पेपर को आपने जो शहद की शीशी ली है इस शहद की शीशी में आपने डाल देना है। इस प्रकार से आप शहद की शीशी में इसको डाल दें
प्रकार से इस शहद की शीशी में आपने डाल देना है। शहद ज़्यादा भी हो तो भी चलेगा, अगर थोड़ा है तो इतना होना चाहिए जिससे कि ये जो आपने कागज़ डाला है, इलायची डाली है, वो इसके अंदर डूब जाए। और इसे आपने रात्रि में 2 बजे ही करना है, और जब ये अच्छे से बंद कर देते हैं तो आपने अपने तकिए के नीचे आपने रख कर इसे सो जाना है। और जब आप अगले दिन सुबह उठते हैं तो उठते ही आपने इस शहद की शीशी को जो आपके घर के नज़दीक जहाँ पर चलता पानी हो या रुका हुआ पानी क्यों ना हो, वहाँ पर जाकर आप इसे पानी में डालें। आप देखेंगे जो भी आपका कार्य था वो कार्य जरूर पूर्ण होगा, और जिस मनोकामना के लिए आपने इस विधि को किया था वो मनोकामना आपकी जरूर पूर्ण होगी। जिसको आप अपने वश में करना चाहते थे वो जरूर वश में होगा। सभी साधक साध्वी इस वशीकरण विधि को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके एक शेयर करने से बहुत से साधक साध्वी का भला हो सकता है। यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमसे लाइव चैट में पूछ सकते हैं, या आप हमें इंस्टाग्राम आईडी पर DM करें। जो भी आपकी समस्या होगी उस समस्या से संबंधित जो भी सरल वशीकरण विधि होगी वो आपको ज़रूर बताई जाएगी। सभी साधक साध्वी अपनी पूर्ण सच्ची श्रद्धा से ही वशीकरण विधि को करें, क्योंकि बहुत से ऐसे साधक साध्वी होते हैं आधी अधूरी वीडियो देखकर वे विधि को करना प्रारंभ कर देते हैं, और जो अहम और आवश्यक बातें होती हैं वो बिल्कुल भी नहीं समझते। परंतु जब तक आपको विधि अच्छे से समझ नहीं आ जाती तब तक आप इस वीडियो को या जो भी वशीकरण विधि कर रहे हैं उस वीडियो को अच्छे से समझें, और उसके बाद ही आप उस विधि को करें, और जो भी आपकी मनोकामना होगी या जो कार्य